दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप यूज करते हैं या ऑनलाइन फूड ऑर्डर के लिए जोमैटो या स्विगी जैसे ऐप यूज करते हैं? कितने ऐप और वेबसाइट का यूज करते हैं आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदने के लिए? लेकिन अब ये सभी ऐप्स और वेबसाइट की सुविधा आप किसी एक ऐप जैसे पेटीएम से ही एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वजह है ONDC। दोस्तों, आजकल ONDC की बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो इसे ई-कॉमर्स का UPI भी कह रहे हैं। ONDC से मतलब है ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। लेकिन आखिर क्या है ये ONDC? क्या एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह? क्या सच में ONDC UPI की सक्सेस रिपीट कर पाएगा? पर इससे भी बड़ा सवाल है कि हमें ONDC की जरूरत ही क्या है, जब ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे ई कॉमर्स के ऑप्शंस हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि ONDC असल में कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन स्टोर नहीं है, बल्कि यह एक टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, भारत सरकार के द्वारा विकसित की गई। ONDC को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में बनाया गया है, जिसके CEO थम्पी कोशी जी को बनाया गया है। ONDC पहले वाली प्लेटफॉर्म सेंट्रिक ई कॉमर्स अप्रोच को अब एक नेटवर्क सेंट्रिक बना देगा। ONDC को आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर किसी भी बायर ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, और सेलर्स यानी रिटेलर्स जो ONDC पर सेल करना चाहते हैं वो सेलर ऐप से इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस ONDC नेटवर्क में पेटीएम, माई स्टोर जैसे कुछ ऐप्स ने अभी तक बायर ऐप की तरह रजिस्टर किया है, यानी हमारे जैसे कंज्यूमर इन बायर ऐप्स के जरिए ONDC को एक्सेस कर सकता है। ONDC की शुरुआत 30 दिसंबर को इसकी पहली बीटा टेस्टिंग के साथ हो गई है, लेकिन ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में ही है। यह बीटा टेस्टिंग अभी सिर्फ बैंगलोर के 16 पिन कोड पर ही लॉन्च की गई है। बीटा टेस्टिंग में ऑर्डर आने भी शुरू हो गए थे। इनमें कंज्यूमर्स द्वारा कुछ ग्लिचेस वगैरह की कंप्लेन भी आई, पर धीरे धीरे इन्हें रिजॉल्व किया जा रहा है। रही बात सेलर रजिस्ट्रेशन की, तो ONDC से कोई भी सेलर या रिटेलर जुड़ सकता है। सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए आप ONDC के साथ पार्टनर हुए किसी भी सेलर नेटवर्क जैसे ई समुदाय, सेलर ऐप, गो फ्रूगल आदि के साथ जुड़कर ONDC के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि इसकी पूरी जानकारी तो ONDC के पूरे देश में लागू होने के बाद ही आएगी। एक कंज्यूमर के रूप में आप बायर ऐप जैसे पेटीएम या माई स्टोर का यूज करके ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ONDC के साथ बहुत सारे पार्टनर नहीं जुड़े हैं, पर धीरे धीरे जोमैटो, स्विगी, नाइका जैसे ब्रांड्स भी जुड़ जाएंगे। हालांकि उसके लिए ONDC को बहुत सारे चैलेंजेस पार करने होंगे। और बता दें कि ONDC कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट का कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये ऐप भी ONDC के API यूज कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ONDC की जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें। देखिए दोस्तों, ONDC की शुरुआत भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन दौरान की गई, जब ई कॉमर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। सबसे पहला रीजन ONDC नेटवर्क को लाने का था ई कॉमर्स मार्केट को ऑर्गेनाइज बनाना और हर घर तक ई कॉमर्स की सेवाएं पहुंचाना। इसके अलावा बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट की मोनोपोली खत्म करके छोटे बिजनेसेस और रिटेलर को बचाना और उन्हें ऑनलाइन जोड़ना। सबसे बड़ी कमी इन बड़ी ई कॉमर्स कंपनी की ये रही है कि इनके पास करोड़ों की फंडिंग है और ये बड़े बड़े डिस्काउंट देकर कस्टमर को अपने पास लाते हैं, जिससे छोटे रिटेलर्स नहीं लड़ सकते। उसी तरह यह ई कॉमर्स कंपनीज धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म पर सेल करने वाले छोटे सेलर्स के बिजनेस को भी नहीं छोड़ती। जैसे ही अमेज़न या फ्लिपकार्ट सेलर्स इन पर सेल करते हैं, तो पहले तो उन्हें भारी कमीशन देनी पड़ती है, दूसरा इन कंपनीज के पास हर तरह का डेटा आ जाता है कि कौन सा सामान कैसे, कहां, कितना बिकता है, तो धीरे धीरे ये अपने प्राइवेट ब्रांड निकालकर उन्हें सर्च रिजल्ट में टॉप पर दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाती है और सेलर्स का नुकसान होता है। तो इस तरह से इन सबसे बचने के लिए ONDC का आना जरूरी था। अब ये तो कोई नहीं जानता कि ONDC की वजह से लोकल रिटेलर की मांग बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो ONDC का कस्टमर सर्विस ही है। लोग अमेज़न या फ्लिपकार्ट के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है कि उन्हें बेहतर कस्टमर सर्विस जैसे रिटर्न और रिफंड आदि सही मिलेगा। पर ONDC में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सेलर और छोटे रिटेलर्स भी हैं, तो अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार कौन होगा?
अमेज़न फ्लिपकार्ट तो कस्टमर को पहले रखती है, पर ONDC में ये कैसे होगा? इस तरह चाहे लोकल रिटेलर की स्थिति अच्छी हो या ना हो, पर हाँ, ONDC से भारत के बड़े रिटेलर जैसे टाटा या रिलायंस जरूर अच्छा कर पाएंगे और विदेशी कंपटीशन और उनकी मोनोपोली जैसे कि अमेज़न को कम किया जा सकेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और रही बात ये सोचने की क्या यह UPI की सक्सेस रिपीट कर पाएगा, तो सबसे पहली बात, UPI और ONDC बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसे UPI जैसा नहीं कहा जा सकता। ONDC UPI से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और आज तक के भारत सरकार के सबसे मुश्किल मिशन्स में से एक है। हालांकि UPI की ही तरह ONDC भी एक नेटवर्क है, पर अभी तक इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं आया है, जबकि UPI को RBI कंट्रोल करता है, इसलिए उसमें कस्टमर को पहले रखा गया है। खैर, इस पर अभी बहुत सी बातें की जा सकती है। जैसे जैसे ONDC की नई अपडेट और फीचर आएंगे, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप ONDC से जुड़ने की स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।